परिषद कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से सरोज पांडे ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 को विकलांग जन के लिए मन की बात शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मन की बात में नाम दिया दिव्यांग, यानी जिनमें विशेष योग्यता हो और जो कुछ कर गुजरते हो, उनके लिए एक शिविर का आयोजन उनके जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को दुर्ग में हम करने जा रहे हैं। जो 17 सितंबर को हम दुर्ग में ये शिविर करेंगे, उसके पहले उसकी तैयारी के लिए, पंजीकृत करने के लिए एक शिविर का आयोजन दुर्ग के विवेकानंद सभागृह में और वैशाली नगर में हम आयोजित कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करती हूँ कि अगर उनका पंजीयन नहीं है तो वो इसमें ज़रूर भाग लें और अपना पंजीयन कराएं। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिनके पैरों में कोई तकलीफ़ है, उन्हें भी हम इस शिविर में सामग्री का वितरण करेंगे। दांतों का सेट है, आँखों के चश्मे हैं, छड़ी है, व्हील चेयर है और इसके साथ ही बहुत सारी सामग्री आप सबकी जानकारियों में समाचार पत्रों के माध्यम से आया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग, आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई व्यक्ति से लाभान्वित हो सकता है तो उन्हें बताएं और इस शिविर में पंजीकृत होने के लिए भेजें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 जगहों पर 17 सितंबर को इस शिविर का आयोजन होगा। उसमें दुर्ग भी शामिल है और छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला भी शामिल है। इन दोनों जगहों पर 75 जिलों में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं और यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह लाभ मिलेगा। सामग्री का वितरण उन्हें होगा। रजिस्ट्री पंजीकरण नहीं हो पाया है जिनका, वो अपना आधार कार्ड लेकर आए, लेकिन जिनके पास जिनकी विकलांगता है उनके लिए पंजीकरण ज़रूरी है। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो उस तारीख को वो अपना आधार कार्ड लेकर आए और फ़ोन नंबर पर 210197 इस फ़ोन नंबर पर वो अपना नाम नोट करा दें और उस तारीख को अपना आधार कार्ड लेकर आए।